भारत में राष्ट्रवाद वर्ग 10 के पाठ 4 में हम लोग आज बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद की बात आई थी, राष्ट्रवाद का मतलब है कि वहाँ के व्यक्तियों को अपने देश अपने क्षेत्र के लिए त्याग और बलिदान की भावना, उसके रक्षा के लिए मर मिटने की जो भावना होता है, अपनत्व की भावना होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्योंकि भारत में भी ब्रिटेन के लोगों ने अपने सत्ता जमा के रखा था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए और तरह तरह के यहाँ के लोगों को अधिकारों को छीना जा रहा था, उनके अधिकारों की हनन हो रही थी, लोगों का आम आदमी को जितना चाहिए था, जो चीज़ें मौलिक चीज़ें चाहिए थी, वो चीज़ों की वो हनन कर रहे थे। इसलिए उसके विरोध में यहाँ के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम और त्याग की भावना बढ़ी, उसे ही भारत में राष्ट्रवाद की हम परिभाषा कह सकते हैं। हमारा टॉपिक है आज, शुरुआत हम इस चैप्टर को कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास से, भारत में राष्ट्रवाद के विकास से। तो 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रवाद के विकास भारत में माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति भी धीरे धीरे मतलब चारों तरफ छिटपुट छिटपुट ये क्रांति फैल चुकी थी। आपस में संगठन और कम्युनिकेशन के अभाव में भले उस क्रांति को जहीं तहीं दबा दिया गया, लेकिन ये क्रांति इतनी बलवती थी कि अगर कहा जाता है कि उसी समय अगर मिलजुल करके सभी लोग अगर विरोध करते तो 100 साल पहले सोचिए भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन आपसी मतभेद और आपसी कम्युनिकेशन गैप, मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को अपनी मैसेज को न पहुँचा करके आपस में समन्वय न होने के कारण सभी राजा जो छोटे मोटे टुकड़े में बटे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के मैप की जो हम बात कर रहे हैं वो पहले इस तरह का था, अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर का सारा क्षेत्र म्यांमार ये सब हाँ, ये इतने पूरी भारत की कल्पना हम कर सकते हैं, ऐसी थी भारत। और ये पूरी भारत के लोग नहीं सोचते थे, सब छोटे छोटे राज्य देसी रियासत के रूप में यहाँ पर राजा जो बड़े हुए थे, और इन राजा में क्या था कि आपसी मतभेद थी, सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचते थे। यहाँ का राजा सोचता था कि हम अपना विस्तार करें, यहाँ का राजा सोचता था कि हम अपना विस्तार करें, और इसके चक्कर में एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और इसी का फायदा उठा कर करके अंग्रेज यहाँ पर आए थे और व्यापार करते करते एक दूसरे के प्रशासन में भी इंटरफेयर करने लगे और एक दूसरे को लड़ा करके भी एक दूसरे के चीज़ों को हड़पने लगे। तो ये चीज़ हमने देखा कि मतलब ये क्रांति उस समय हुई थी, एक मंगल पांडे के नाम करके एक व्यक्ति ने मेरठ से शुरू किया था कि जो एक कारतूस थी उसमें जो गोली भरने वाला उसमें हाँ उसमें लगा हुआ था, ऐसा मतलब बात आया था कि उसमें चर्बी जो है लगाया गया है, वो गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, तो दोनों धर्म के लोगों को इसमें धार्मिक आहत पहुंचा। और इसके विरुद्ध में उन्होंने जब ये किया, आंदोलन किया, तो वहाँ लोगों को दबाया गया, गुस्सा में मंगल पांडे ने वहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया था, इससे उनको फिर फांसी दिया गया था। मिलजुल करके बहुत लोगों ने विरोध किया लेकिन वो चीज़ों को दबा दिया गया। इसीलिए पहला तो माना जाता है कि 1857 की क्रांति से शुरू की जाती है। हम भारत में राष्ट्रवाद के विकास को निम्नलिखित 3 बिंदुओं से हम रखते हैं। पहला है राजनीतिक कारण, क के नंबर से हमने दिया है, ख है आर्थिक कारण, ग है धार्मिक कारण और घ है अन्य कारण। राजनीतिक कारण में हम बात करेंगे पहला पॉइंट कि 1858 चूँकि 1857 में जब क्रांति हुआ तो वहाँ के यहाँ चूँकि कंपनी शासन करती थी, तो ब्रिटेन की जो रानी थी उसने कहा कि 1858 में एक नियम पारित किया और कहा कि देखो अब कंपनी के जगह पर सीधे रानी महारानी जो है ना विक्टोरिया ब्रिटेन की, वो सीधे शासन करेगी इंडिया में, अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा। पहली पॉइंट यहाँ आ गया। तो जब ये बात आ गई तो लोगों में लगा कि अब देखिए भैया हम लोग को बदला तो अब तो रानी शासन कर रही है, तो यहाँ के लोगों में फिर और भड़क बन गई और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी पॉइंट है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नीति विस्तार, छोटे छोटे क्षेत्रों में चूंकि मैंने बताया अभी कि आपस में लोग बटे हुए थे और एक दूसरे को लड़ाते थे, साथ ही साथ एक लॉर्ड डलहौजी नाम करके ये वायसराय था, उसने क्या किया था कि हड़प नीति की बात रखी थी कि जिस राज्य के कोई वारिस नहीं होगा उसको अपने ही से अंग्रेज अपने शासन में मिला लेंगे, और इसी में उन्होंने नागपुर सबसे पहले सतारा नागपुर झांसी इसको मिला लिया था, है ना। तो इसके विरोध में भी लोगों को क्या हुआ, वहाँ के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़ा और अंग्रेजों के विरोध उन लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया।
तीसरी पॉइंट है लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू करना। इसमें यह कही गई कि इस एक्ट में बताया गया कि भाई जो भी इंडिया में जो प्रेस छाप रहे हैं, पत्र छाप रहे हैं, उनका पत्र बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया गया। केवल अंग्रेजी में जो छप रहे हैं उसी को छपने देंगे, स्थानीय भाषा का सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि स्थानीय भाषा में जो पत्र छापते हैं उसी से इन लोगों के राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने उसको बंद करना चाहा और बंद कर दिया। देखिए एक बड़ी मजे की बात है कि इसकी डर से अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात अपनी एक भाषा बंगला से अंग्रेजी भाषा कर दिया था, जिसका मालिक था मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ये बंगाल में एक प्रेस था, उसने सबसे पहले रातों रात ही अपनी भाषा बंगला से कर दिया इंग्रेज कि हमको बंद न कर दे। तो ये इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश फैल गया कि भाई हमारी बातें जब हम एक दूसरे को कैसे बताएंगे जब हमारा प्रेस ही बंद करवा दिया जाएगा। तो इससे भी लोगों में गुस्सा आया और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ी और अपने देश के लिए राष्ट्रवाद जगा। चौथा पॉइंट आता है लॉर्ड लिटन का ही, 1878 के बाद एक बार साल बाद 1879 ईस्वी में उसने आर्म्स एक्ट लागू किया। आर्म्स एक्ट का मतलब यह हुआ कि उसने एक नियम बनाई कि भारत के लोग बंदूक नहीं रख सकते हैं। अंग्रेज के आदमी बंदूक रखेगा लेकिन भारत के लोग बंदूक नहीं रखेगा, बंदूक रखेगा तो समझो कि उसको उसको मतलब कि आतंकवादी या क्रांतिकारी कह के मैंने जो भी है उस तरह से गोली मार दिया जाएगा, चाहे विरोध उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से इसके भी लोगों को आक्रोश फैला। पांचवा पॉइंट है लॉर्ड रिपन का, 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विवाद लाया था, इल्बर्ट बिल एक पेश किया था। इल्बर्ट ये विवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है कि लॉर्ड रिपन ने थोड़ी सी अच्छी काम की थी कि भारत के लोगों के लिए कहा था कि देखिए पहले क्या था कि जज जो है वो सब ब्रिटेन वाले ही रहते थे, तो भारत के जज वाला का कोई वही नहीं था, तो इनका मामला रहे चाहे उनका मामला रहे सब ब्रिटिश जज ही उसका निर्णय लेते थे। तो इसमें किया गया था क्या कि भारतीय जज भी अंग्रेज वाला अधिकारी, अंग्रेज के जो भी कुछ मामला होगा उसका सुनवाई भी करेगा। तो इसको विरोध में अंग्रेज लोग चल गया, कह रहे हमने के सुनवाई होने करेगा भारत का जज करेगा। तो इसके चलते क्या किया कि लॉर्ड रिपन ने फिर वो अपना कानून को पीछे ले लिया और कहा कि नहीं दोबारा फिर अंग्रेजे के थी में सुना जाएगा, अंग्रेजे विवाद को सुलझाएगा। इससे फिर भारत के लोगों में भी गुस्सा आ गया कि भाई हमने के चीज़ के वही काहे करेगा है। तो इसके से भी मतलब हम कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद से भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। फिर छठा पॉइंट है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाना, मैंने कि भारत में देखो ये है बंगला, बंगाल आज देख रहे हो ये पश्चिमी है, ये पूर्वी बंगला है, दो भागों में बांटा गया, आज बांग्लादेश है। यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे, यहाँ मुसलमान लोग रहते थे, तो हिंदू मुसलमान चूंकि कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फूट डालने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने क्या किया 1905 में इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया, जिससे भी लोगों में आक्रोश फैल गया, लोग इसका बहुत विरोध किए। तो 1911 में दोबारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में फिर से इसको एक में किया गया, समझ रहा है। आज यही है पूर्वी पाकिस्तान जब बटा था तो पूर्वी पाकिस्तान था, यही पश्चिमी पाकिस्तान था। जब 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई हुआ ना तो इसी को बांग्लादेश बना दिया गया इंडिया के तरह दर मदद करके, समझ रहा है, पाकिस्तान अकेले यहाँ रह गया। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ ना उससे भी राष्ट्रवाद की भावना जगती है। सातवीं पॉइंट आ रही है, ये सब राजनीतिक कारण में है, रेलवे लाइन, डाकघर का विकास, छापखाना का विकास, ये सब विकास इन लोगों ने किया क्यों, अपने फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए और अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए किया, जिससे भी यहाँ के लोगों में असंतोष फैला। खा है एक बड़ी पॉइंट सी, आर्थिक कारण, कर को क्रूरतापूर्वक वसूल करते थे अंग्रेज लोग, कहीं भी चाहे सुखाड़ हो चाहे बाढ़ हो वो कर माफ नहीं करते थे, इससे भी लोगों में बहुत आक्रोश था। तिलकठिया प्रथा, नील की खेती, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी हम जिक्र करने वाले हैं कि ये नियम थी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या किया जाएगा, आपको जबरदस्ती आपको नील की खेती कराया जाएगा और करना ही करना। अब भी सुन लो, नील की खेती जहाँ होता था ना वहाँ मैटर ऐसा था कि वो जमीन बंजर हो जाता था, बहुत लंबा लंबा उसका जड़ी होता था, अब हाथ से सबका चरम रोग हो जाता था उसमें काम करने वाला, तो ये जबरदस्ती कराया जाता था, ये भी एक रीजन था जिसके चलते लोगों में विरोध की भावना बढ़ी। 1882 ईस्वी में ब्रिटेन के माल पर आयात शुल्क हटा दिया गया, इससे सामान उनका सस्ता हो गया ब्रिटेन वालों का, और वो सामान यहाँ सस्ता बेचने लगे, हमारे से कच्चा माल ले जाए तैयार करके उनका मशीन से सामान आवे और वो भी सामान सस्ता बिके, है ना। अब यहाँ के लोग क्या करे, यहाँ के लोग हाथ से बनाता था सामान और उसका सामान कम रहता था तो दाम ज़्यादा रखता था, इसके चलते धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ के कुटीर उद्योग भी चौपट हो गया, यहाँ के लोग भूखे मरने लगे, यहीं के आदमी क्या करने लगा, सस्ता है तो उसका सामान लेने लगा, यहाँ के आदमी का सामान नहीं लेने लगा, इसके चलते दिक्कत हो गया।
तो लोगों में क्या हुआ कि अपने देश के प्रति ये बात जगने लगी कि कहीं ना कहीं ये हम लोग को सब तरह से पंगु बना रहा है। ग है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में क्या है, एक रंग भेद की नीति आ जाती है। गोरे बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, हम लोग को बुड़बक मानते थे, सब तरह से हमेशा भेद करते थे। दूसरी है मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस और सर विलियम्स जॉन्स जैसे लोगों के द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया जाना, उसको अनुवाद करके वो पढ़ रहे थे। तो इससे लोगों को यहाँ लगा कि अगर कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथ हो तो अच्छा तो बात है, तभी तो ये लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने लोगों को यहाँ के प्रति क्या हुआ, अच्छा भावना बढ़ने लगा। अनुवाद किया था भागवत गीता का यही चार्ल्स विल्किंस किया था सबसे पहले। आर्य समाज, देखिए कुछ वहाँ पर समाज सुधारकों की बात आती है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में उन्होंने किया था बम्बई में इसकी स्थापना आर्य समाज की। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 जो बम्बई में किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। तो ये सब कुछ समाज सुधार के काम किए थे, जिससे भी क्या हुआ है कि अपने यहाँ के लोगों को भावना बढ़ा है कि हमको अपने देश के प्रति काम करना है। अन्य कारण भी आता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के करवाया अंग्रेजे करवाया, कि आपसी में के सब हमारी बड़ी टेंशन ले रहे हैं, से हनी अपने मामला अपने सुलझाएगा, यही चलते राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवा देते हैं। और करवा दिया ये सोच के कि अपने में लफड़ा में मरेगा धंसेगा, हमने इसको शासन करते रहेंगे, समझ रहा है। तो 28 दिसंबर 1885 को एयो हयूम संस्थापक है, मुंबई के एक विद्यालय था गोकुल प्रसाद तेजपाल संस्कृत विद्यालय, उसमें उसने क्या किया कि इसकी स्थापना रखी थी। और पहला इसका अध्यक्ष जो था डब्ल्यू सी बनर्जी, मतलब कि विमर्श चंद्र बनर्जी था, समझ रहा है, वो उसी ने क्या किया कि मतलब इस तरह से शुरुआत किया कांग्रेस के कि अपने में ही लफड़ा करते रहेगा, लेकिन कांग्रेस ही क्या किया कि धीरे 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 मजबूत होकर के भारत को आजाद करने का काम कर दिया, है ना। होम रूल आंदोलन का एक नाम आता है कि महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक ने इसने भी ये किया, और चेन्नई में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन किया गया था, इससे भी राष्ट्रवाद की भावना जगती है। लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसने भी बाहर से भी मदद करने का काम किया। ये तो हो गया कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के मुख्य बिंदु है, राजनीतिक कारण में, आर्थिक कारण में, धार्मिक कारण में और अन्य कारण में। एक बार ओवरव्यू इसको लेकर के दिखा दो कि ताकि वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सके सब लड़का, है ना, ये ध्यान से एकदम बना दो, एकदम रोक करके इधर उधर नहीं। तो यहाँ तक ये कहानी हो जाती है। अब ये पार्ट टू की वीडियो है, पार्ट वन की वीडियो है, चलिए इसी वीडियो में मैंने पार्ट टू का भी कुछ ये मैं कोशिश किया डालने का कि क्या भाई गांधी युग के बारे में। अब गांधी जी के चूँकि इस चैप्टर में हमें गांधी जी भारत में राष्ट्रवाद में सबसे ज़्यादा अहम रोल किनका है, गांधी जी का, किनका है, गांधी जी का है। तो गांधी जी के बारे में तो जानना जरूरी है कि गांधी जी कौन थे, क्या था, है ना, नॉलेज रखना जरूरी। देखो ये ऐसा ही टॉपिक है ना कि हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर बच्चों को इसको पढ़ना है। अरे बात समझ में, गांधी जी का युग जो माना जाता है 1947 माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, है ना, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और उपनाम राष्ट्रपिता बापू, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक ही आदमी बाउंड्री पर, है ना, नारा था करो या मरो, भारत छोड़ो या हे राम। थोड़ा सा और पॉइंट है कि इनके चार बेटे थे, कितने बेटे थे, चार बेटे थे, कौन, हरिया मनिया देव दास रामदास, हरिलाल मनीलाल रामदास, देवदास रामदास, जो भी बोलो देवदास रामदास, इनका चार गो बेटा। अब पांचवा बेटा था नहीं, इन्होंने पांचवा बेटा खुद से माना था, उनका नाम था जमुना लाल बजाज, पांचवा बेटा माना, समझ रहा है कि इनको बड़ी मानते थे, पांचवा बेटा कहा जाता है इनको जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज या जमुना लाल बजाज इसको कहते हैं। अरे बात समझ में, जमुना लाल बजाज इनको कहते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा और पॉइंट था। तो अब देखिए इंग्लैंड, अब ये हुआ क्या, पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए से मतलब कि वो वकालत की पढ़ाई करने गए थे, और 1891 में वो भारत लौटे थे।
तो जब लौटे तो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे थे, काम के खोज में थे। उसी समय गुजरात के एक आदमी था दादा अब्दुल्ला, उनका नाम था, क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला ने क्या किया कि उनको कहा कि केस लड़ोगे मेरा, साउथ अफ्रीका में उनका कारोबार था और साउथ अफ्रीका में बड़ी इनको दिक्कत हो रहा था, तो वहाँ केस लड़ने के लिए इनको कहा। तो ये तैयार हो गए और 1893 में गांधी जी कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका उनके तरफ से लड़ने के लिए। वहाँ गए तो देखे कि अरे भाई यहाँ तो बड़ी स्थिति ख़राब है, यहाँ के लोगों को भी गोरे और काले का फ़र्क है कि बड़ा जो गोरा लोग है वो अच्छा ट्रेन में जा रहा है, खाना खा रहा है, होटल में जा रहा है, और काले लोगों को कहीं जाना आने का अति नहीं है, इसके रोक है उसको। तो उससे भारत के लोगों को भी बड़ी दयनीय स्थिति था। तो उन्होंने देखा कि तो जितना बताया उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है, यहाँ तक कि गांधी जी भी इसका शिकार हुए कि वो एक दिन ट्रेन से जा रहे थे फर्स्ट क्लास के एसी में, तो कोट उट पहन करके, तो क्या हुआ कि भाई देखा गोरा लोग, कहे तू कैसे आ गया इसमें है, तो बोला कि हम तो भाई उतना है पढ़े लिखे आदमी है, हमारे पास पैसा है, हम टिकट कटा के बैठे हुए हैं, क्योंकि बैठेगा चलो हटो, काला आदमी। तो कहा कि गो आउट है ना, कहा कि प्लीज गो आउट है ना, तो बोला कि नो आई कैन नॉट गो आउट है ना, तो कहा कि आई विल थ्रो आउट, मार के कहा किया उसको कि लात से नीचे फेंक दिया, समझा रहा है। अच्छा फेंका तो क्या हुआ, गांधी जी रात भर उसी के कुर्ते रह गए है ना, उनको लगा के रिजल्ट इतना पढ़ लिख करके हमको तो मार के बहरी भगा दिया है, तो बहुत स्थिति खराब है। तो वही गोसा में ठान लिए कि आज जब तक हम यहाँ से रंग भेद की नीति नहीं हटाएंगे गोरा काला, तब तक हम अपना देश नहीं लौटेंगे, और वो वहां से शुरू किए सत्याग्रह। क्या किए? सत्याग्रह। दोस्तों गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह वहीं हुआ साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने क्या किया कि सब कालों को एक जगह बटोरना शुरू किया, भारत के लोगों को और जो जो काले थे उनको बटोरना शुरू किया, और सबको लेकर के साथ चले अनशन करने कि हम खेबे नहीं करेंगे, पीबे नहीं करेंगे, सब काम रोको सब कोई। तो वहाँ के लोग डर गया, अधिकारी लोग तो ऐसे कर रहा है, तो फिर क्या किया कि अधिकार दे दिया कि चलो ठीक जा सकते हो, है ना, रंग भेद की नीति वहाँ उन्होंने खत्म किया था, पहला बार वहीं प्रसिद्ध हुए थे हाँ सत्याग्रह करके। अब उनको कौन लाया, अपने देश में लाए गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उसे भारत बुलाया। 9 जनवरी 1915 को भारत वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे, और उसी दिन को 9 जनवरी को हर दिन प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। एक घटना था 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस जो होता है ना उसका साले साल अधिवेशन होता है, समझा रहा है, तो अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें वो आए थे लखनऊ में, गांधी जी को भी बुलाया गया था, एक नेता थे राजकुमार शुक्ला नाम है उनका, समझ आ रहा है, राजकुमार शुक्ला, वो आए थे वहीं 16 में वहीं लखनऊ में वह अधिवेशन में। तो वहाँ वो गए से अपना बताया अपना दुखड़ा गांधी जी को कि देखिए ना हम लोग के यहाँ नील के खेती जबरदस्ती करवाता है अंग्रेज लोग, और हम नहीं करते हैं ना, तो देखिए ना हाथ गुड़ सब कैसे रोग हो जाता है, और पैसों नहीं देता है, जब यहाँ एक बार खेती कर देते वहाँ कुछ नहीं उपजता है और जबरदस्ती करवाता है, आप कुछ कीजिए ना सर। तो वो कह के अच्छा ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम बैठले हैं कुछ करिए नहीं रहे, तो चलो तो देखते हैं। तो वही सबसे पहले 1917 में कहाँ आए गांधी जी, सबसे पहले पहला सत्याग्रह भारत में गांधी जी का हुआ है पश्चिमी चंपारण में, वही राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो आए थे, और वहाँ जब देखे तो स्थिति सही में खराब था, तो उसने उन्होंने अनशन किया और सत्याग्रह किया बैठ करके अहिंसा से कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और सब बने बैठ गए एकदम कि अंग्रेज के काम ठप कर देंगे, कोई नील की खेती नहीं करेगा, सब बैठ जाओ, सब बैठ गया एकदम। और उनको साथ प्रमुख नेता का नाम आता है राजेंद्र प्रसाद भी थे, जे बी कृपलानी थे, ब्रजकिशोर सिंह थे, ये सब हेल्प कर रहे थे, और सबको मिलकर वहाँ हड़ताल किए ना, एथी किए सब मतलब ये अनशन। तो क्या हुआ, अंग्रेज वहाँ झुक गया, कहा कि ठीक है मिल के खेती नहीं होगा, आपको जो मन होगा तो करिएगा, ना मन होगा तो ना करिएगा। अब गांधी जी के यहाँ से फेमस हो गए, अब कहा कि अरे भैया तो जो जो ची कर रहे हो ची हो जा रहा है। अब इसके बाद ही दोबारा अहमदाबाद के एगो मजदूर मिल में हड़ताल था, वहाँ जा करके उन्होंने पेंशन वेतन दिलाने का काम किया था। हुआ क्या था वहाँ 1918 में हाँ कि हुआ क्या था कि उस समय प्लेग की बीमारी फैला था, चूहा के द्वारा फैलता है प्लेग की बीमारी, हैजा, तो गांव के गांव मर जाता था आदमी हाँ, तो उसमें बहुत मर रहे थे लोग, लेकिन मिल बंद नहीं करने के चलते मिल मालिक कहा था कि तोनी मत जाओ कहें, सब वेतन तोनी के दोगुना दे देंगे और पेंशन बढ़ा के देंगे, से काम करो। लालच में बेचारा मरते रहा, लोग काम करते रहा, अब सब काम कर भी रहा था, और लास्ट में जब कारमर होने के बाद कहा कि अब पैसा तो उनके बढ़ा बढ़ा के नहीं देंगे, काम दिए से कम है ऐसे, तो वही चलते उन्हें विरोध करा था। गांधी जी गए वहाँ पर, उन्होंने मालिक के हड़ताल किया, अंत में समझा बुझा कर 35% बोनस के साथ में उसको वेतन देना पड़ा है ना, इस तरह से यहाँ भी सफलता उनको मिला।
फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है गुजरात के खेड़ा में, उन्होंने मतलब कि उनको सफलता मिला 1918 ईस्वी में ही टैक्स के विरुद्ध, सुना रहा है टैक्स के विरुद्ध, वहां पर सुखाड़ पड़ गया था, लेकिन फिर भी